आ गया मैं यकीम मोहम्मद अली हुसैन खान आप लोग का सामने एक निशा के बारे में एवं निशा छुड़ाने के लिए। ये है आपका शराब का निशा बंद कराने के लिए, दारू का निशा छुड़ाने के लिए ये दवा है। तो हम बताने जा रहा है किस लिए। देखिए जे ऐसा ऐसा परिवार को हम देखा है, दारू पी के जाके घर में लपड़ा झपड़ा मार पीट बहुत किस्म देखा जिंदगी में, रोड घाट में आपका झगड़ा लपड़ा शराब का निशा में कराता है। शराब का निशा में इंसान बर्बाद हो जाता है, इसीलिए शराब छुड़ाना चाहिए, परिवार में शांति रहना चाहिए। तो देखिए शराब का निशा छुड़ाने के लिए एक दवाई हम बता रहे हैं, जैसे मेरा भाषा में बोला जा गया उसका नाम है ओल, जे मिट्टी का नीचे होता है, एक ही झाड़ एक ही घास होता है, एक ही झाड़ होता है, एक ही पेड़ होता है, ऊपर सतह जैसा होता है, नीचे वाला वो बना के सब्जी बना के खाता है सब लोग, हर जगह मिलता है। ये दो ही प्रकार होता है, एक देसी ओल बोला गया, एक मद्रासी ओल बोला गया। तो मद्रासी ओल जो है वो मीठा लगता है, तो आपको चाहिए देसी ओल। देसी ओल छोटा साइज का एक ले लीजिए, लेके उसको क्या कीजिएगा, उसका ऊपर मिट्टी का खमीर बनाइए, मिट्टी का खमीर बनाइए, कादा नरम लीजिए, किच्छा थोड़ा नरम रहेगा जब आपका ओल का ऊपर लगा सकते हैं, तो ओल का ऊपर आपको लगाना पड़ेगा। लगा के वही ओल को चतुर साइड से मिट्टी दे के चूल्हा में क्या कोई आग में आपको जलाना है, जला के उसको झलसाना है, अंदर थोड़ा गर्म करना है, गर्म करके उसको जूस निकालना है, मिट्टी हटा के फिर आग से निकाल के उसको क्या कीजिएगा, वही ओल को मिट्टी हटा दीजिए। मिट्टी हटाने के बाद उसको अच्छे से धो लीजिए, क्योंकि इंसान खाएगा ना, उसको धो के उसका सेसिए, सेस के उसको मिक्सर मशीन में देके पीसिए, पीसने के बाद उसको रोस्ट निकालिए, रोस्ट निकाल के शराबी जो है शराब पीता है शराब का साथ ये जो ओल का जो रोस्ट निकाला है ये जूस उसमें शराब में थोड़ा मिला दीजिए, दारू में थोड़ा मिला दीजिए, मिला के पिलाइए दो चार बार, ये दो चार दिन ऐसे आप कीजिएगा, इंशाल्लाह ज़िंदगी भर के लिए उस शराब दारू छोड़ जाएगा, वो ज़िंदगी में दारू शराब नहीं पिएगा। ये बहुत आजमाने वाला दवा है, बहुत इंसान को हम ठीक कर दिया मेरा हाथ में मालिक, लेकिन सभी कुदरती चीज़ है, अल्लाह का ही दवा है। तो देखिए यही ओल आपका शराब का निशा बंद करा देगा। कैसे शराब का निशा पीने जाएगा बाद में, पीने का तो छोड़ो, उसका सामने नाक में बास आ जाएगा तो उल्टी आ जाएगा, बमी कर देगा, उल्टी कर देगा, वो ज़िंदगी में नहीं पिएगा। एक हफ्ता कर दीजिए ना, एक हफ्ता तक शराब का साथ पिला दीजिए ओल का रस, कैसे उसको जलाना है आग में, लेकिन ओल का ऊपर मिट्टी लेप दीजिएगा अच्छा मोटा करके, जो जल ना जाए, इसीलिए अंदर थोड़ा गर्म हो जाएगा मिट्टी, जब देखिए थोड़ा यह हो गया अंदर नरम, थोड़ा यह होगा हल्का बॉयल होना चाहिए ज़्यादा नहीं, तब रोश नहीं निकलेगा। उसको निकाल के मिट्टी हटा के उसको धो के उसको रोश निकालिए, वही रोश शराब का साथ मिला के पिला दीजिए, दो चार बार पांच बार पिला दीजिए, ज़िंदगी भर के लिए शराब छूट जाएगा इंशाल्लाह, और शराब का भी हाथ नहीं लगाएगा। ये बहुत सबूत है, कीजिए, किस लिए हर परिवार में झगड़ा लपड़ा होता है, शांति से रहिए आप लोग, शराब का निशा छुड़ाइए, अपना छोड़ दीजिए। आप छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं पाता है, लेकिन यही जगह हम बोला है आप कीजिए, ज़रूर आपका निशा बंद हो जाएगा इंशाल्लाह। तब ये वीडियो में इतना था, जैसे हम बोला ऐसा कीजिए शराब का निशा छूट जाएगा इंशाल्लाह, 100% गारंटी है, 100% गारंटी देके हम बोल रहे हैं शराब का निशा छूट जाएगा। ओल का जूस जैसे बोला वैसे कीजिए, दारू का साथ पिलाइए, ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्त लोग, कोई भूल त्रुटि होगा क्षमा कर दीजिएगा, जैसे आपका जैसे हम भी इंसान हैं। फिर मिलेंगे अगला वीडियो के साथ, नया कोई बीमारी का दवाई का साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।